वेलकम यू ऑल टू एन यू अनदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तो आज मैं आया हूँ अपने आपके छपरा शहर में और यहाँ पे मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक छपरा का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फेमस जिम रेड रॉक, जहाँ पे आपको भी ज़रूर आना चाहिए अगर आप अपना पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, बढ़िया फिजिक बनाना चाहते हैं। और बहुत ही अच्छा इसका लुक है और अंदर काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि और सारे जिम में नहीं है। और पीछे आप लोग देख सकते हैं आर्नोल्ड की प्रतिमा लगी हुई है जो कि फिटनेस आइकॉन है अपने इंडिया के, और बाकी इनके बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। तो ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, फटाफट से आप लोग को ले चलता हूँ जिम के अंदर और दिखाता हूँ कैसा है क्या है, और ट्रेनर से भी बात करेंगे कि कैसे क्या है। बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेनर लोग भी हैं इसमें। चलिए अंदर का व्यू दिखाते हैं आप लोग को। तो गाइज ये है मेन यहाँ का एंट्री गेट और ये है रिसेप्शन काउंटर, अगर कोई नया आता है तो यहाँ पे आके इंक्वायरी आप लोग ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या चार्जेस है, कैसे क्या शिफ्ट है। और मशीन देख रहे हैं, ये अपना भाई दिवाकर भाई यहाँ पे वॉकिंग कर रहा है एक्सरसाइज। और मशीन्स जो है काफ़ी वेल, मतलब बोला जाए तो बढ़िया ब्रांड्स की है, सब फिटलाइन कंपनीज की है। और यहाँ पे हैं अपने विकास तिवारी भाई जो कि हमेशा इस जिम में आते रहते हैं। इनके भाई सिर्फ देख सकते, भाई कितने दिन से जिम में आ रहे हो? दो महीना। और मेरे सनी भाई वहाँ पे अभी न्यू ज्वाइन किए हैं, और इन सबके ट्रेनर हैं हमारे अंकित भैया। तो अभी अंकित भैया से भी बात करेंगे हम लोग और पूछेंगे कि क्या है कैसे है, कोई नया जिम ज्वाइन करता है तो क्या क्या क्राइटेरिया है। पहले आप लोग को जिम पूरा दिखा दें हम। सबसे पहले मैं आपसे दो चार क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और वीडियो को शॉर्ट में करते हुए पूछेंगे। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि अगर हम जिम में आके एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फायदे हैं? बेनिफिट की यहाँ से बात करते हैं तो आज फिट रहना सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, अगर जरूरी चीज़ है अगर अपनी लाइफ को लंबा सस्टेन, हेल्दी सस्टेन करना। ठीक है, जनरली अभी कुछ साल पहले तक ये होता था कि लोग जिम आते थे बॉडी बनानी है, लेकिन अब लोग आते हैं मोस्टली कि मुझे फिट रहना है। इसका रीज़न क्या है कि ओबेसिटी, ठीक है, मोटापा। जब आप मोटे होते हैं तो 4 से 5 ऐसी बीमारियाँ हैं जो आपको आनी ही आनी है। पहली तो आपकी डायबिटीज़, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा ब्रेन स्ट्रोक, और इन सबको मिला करके आता है फिर लास्ट में कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, तो ये चीज़ें जो फिजिकल, अभी जो अपने पास ऐसा कि कोई ग्राउंड नहीं रह गया, धीरे धीरे ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं, ग्राउंड नहीं बचा है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि बाहर एक्सरसाइज करना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है,
जब हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो क्या होता है कि मेरी बॉडी के अंदर फैट स्टोर होता है और ख़राब समय यहीं से शुरू होता है। जैसे जैसे फैट आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सारी बीमारियाँ आपको फेट दी जाएंगी। तो पहली चीज़ यहाँ पर जब भी आते हैं तो अपने आप को फिट करने के लिए आते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए आते हैं। अब बात आते हैं कि एक्सरसाइज करने से फ़ायदे क्या होते हैं। एक्सरसाइज करने से पहली चीज़ तो हमारी मसल्स इंप्रूव होती है, ठीक है। मसल्स की एक ह्यूमिनिटी ये है कि अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो हर 10 साल के अंदर अंदर वो करीब करीब 2.5 किलो के आसपास डिक्रीज हो जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। और जब हम उस पर वेट ट्रेनिंग करते हैं, लोड डालते हैं, तो वो उसकी हाइपरट्रॉफी होती है, मीन्स वो बढ़ती है। और आपको पता है कि ह्यूमन का जन्म ही हुआ है मूवमेंट करने के लिए, और मूवमेंट ही जो करती है वो मसल्स ही होती है। तो इस व्यू से देखा जाए तो हमारे वेट ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि बोन की डेंसिटी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बोन की डेंसिटी भी इम्प्रूव होती है। तो जैसे आपने देखा होगा कई लोग जो छोटा सा भी धक्का लगता है तो फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये रीज़न यही है कि बोन की जो मिनरल डेंसिटी है वो कम हो गई है, जबकि आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो वो इम्प्रूव होती है। ये रिसर्च बेस्ड बातें हैं। तो सर ने मेरे पहले सवाल का बहुत ही एक मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया। तो अब मेरा सर से दूसरा ये क्वेश्चन है कि सर, जो आपके जिम में आते हैं जो भी नए बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आज ज्वाइन किया तो मैं एज अ बिगिनर आऊँगा आपके जिम में, तो उनको आप उनका कैसे स्टार्टअप करेंगे बॉडी बिल्डिंग करना, उनको क्या क्या ट्रेनिंग आप सजेस्ट करेंगे? हाँ, पहले चीज़ तो पहले हमको एनालाइज करेंगे, उनका हिस्ट्री जानेंगे, हेल्थ हिस्ट्री। वैसे जनरली कॉमन जिम में यही होता है कि सभी को एक जैसे ट्रीट किया जाता है, जबकि सारे बच्चे या सारे लोग जो इंडिविजुअल्स आते हैं यहाँ पे सबकी हेल्थ कंडीशंस अलग होती है। किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, किसी की हेल्थ हिस्ट्री में किसी के पेरेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी का बॉडी का पोजीशन सही नहीं, अलाइनमेंट सही नहीं है, तो उसको हम चेक करते हैं। अगर अलाइनमेंट सही नहीं होगा जो भी वेट ट्रेनिंग करेंगे तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अलाइनमेंट सेट करने के बाद ही हम उनको जो है उनके हिसाब से वर्कआउट प्लान करके देते हैं, ताकि सेफ्टी के साथ उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो और उनका मसल्स भी मसल भी। और एक थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे है सर, कि काफ़ी लोग से मैंने सुना है और लोग ऐसा कहते भी हैं कि बॉडी मैंने अच्छा खासा बिल्ड कर दिया, उसके बाद मैंने जिम जाना छोड़ दिया तो मेरा फिर से फैट आ गया, बॉडी हो गए या पतले हो गए, मसल्स खराब हो गए। ये डिपेंड करता है सर जीन्स पर। देखिए, पहली बात है, जैसे ही हम जिम ज्वाइन करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि अच्छी चीज़ें खानी है, टाइम पे खानी, चीज़ें बताई जाती हैं जिम में, तो आदमी उसका फोकस रहता है। लेकिन जैसे ही वो छोड़ता है तो उसका जो लाइफ स्टाइल है वो भी बदल जाता है। जब उसको भूख लगती है कुछ भी खा लेता है, उसको लगता है कि आप तो जिम जा नहीं रहा हूँ मैं, कोई बात कोई सवालों की जरूरत नहीं है, तो वो क्या करता है अननेसेसरी जो है चीज़ें खाता रहता है। और होता क्या है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो मेरी कैलोरी बर्न होती है, और जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं तो जो एक्सेस कैलोरी हम इंटेक कर रहे होते हैं, जो हमारी नीड नहीं है रेगुलर, तो वही बॉडी के अंदर फैट में कन्वर्ट होकर के एडिपोज टिश्यूज में जाकर स्टोर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं जनरल लैंग्वेज में फैट कहते हैं, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है जेनेटिक्स। अगर हमारे जीन्स से पेरेंट्स मेरे बहुत ओबीज टाइप के हैं और आपने अपनी अच्छी बॉडी बना ली, ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप छोड़ते हैं तो एक्सरसाइज आपने छोड़ी, फिर आपका डिपेंड करता है, हाँ, जीन्स आपके अंदर कैसे हैं, आपका हार्मोन्स लेवल कैसा है, स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका जेंडर कैसा है, आपका एज क्या है, ये सारी चीज़ें फैक्टर, मतलब ये इतने सारे फैक्टर हैं जो इससे आपकी बॉडी के फिटनेस पर मैटर करता है, ठीक है। तो सर मेरा फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर जो जिम कर रहे हैं जो लड़के या जो लड़कियाँ जिम कर रही है, तो उनके लिए क्या क्या एक जनरल और बढ़िया डाइट होगा और क्या क्या उनके लिए अलग डाइट? देखिए, यहाँ जो से हर पर्सन का इंडिविजुअल एक वेट होता है, ठीक है, तो उस वेट के हिसाब से हम कैलोरी डिसाइड करते हैं। अगर किसी को वेट गेन करना होता है तो हम कैलोरी को सरप्लस करते हैं, जितनी उसकी डेली की नीड होती है कैलोरी की उसमें हम कैलोरी को प्लस करते हैं और उसकी डाइट को एक चार्ट बना करके प्रोवाइड करते हैं कि आपको उसकी डाइट कैलोरी की डाइट लेनी है। किसी को वेट लॉस करना होता है या कह लीजिए फैट लॉस करना होता है तो हम उसकी कैलोरी डिप्रिशिएट करते हैं, यानी जितनी उसकी कैलोरी की नीड है उससे कम कैलोरी उसको हम डाइट चार्ट बना करके प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो यूज़ करे और उसका फैट रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो सर थैंक यू वेरी मच, आप अपना इतना प्रीशियस समय हमारे चैनल पर देने के लिए। आगे आपसे मिलेंगे फिर, अगर हमको फ्यूचर में यहाँ विजिट करना होगा तो आपसे मिलेंगे सर। थैंक यू वेरी मच।